वहीं रुक जाओ। थैंक यू। लो, तुम्हें जलाना आता है ना? तुम भी ना हेनरी। हे, क्रेडिट के बारे में बताने के लिए थैंक्स। इसका मतलब तुम इससे लगातार बात कर रहे थे? हाँ, जब भी तलाशी लो अच्छे से लो, और कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। क्लेवेरिस ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूं, क्योंकि मैं मिस्टर वेरिस को अच्छे से जानता हूं। तुम्हारी ट्रेनिंग उसने कैसे की? पंछियों का शिकार, खरगोश का शिकार, 12 साल के हुए तो हिरण को टारगेट बनवाया। मेरे हिसाब से 19 या 20 साल की उम्र में पहली बार तुम्हें किसी को शूट करने का ऑर्डर मिला होगा। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? हाँ, तुमसे कहा होगा अपने डर से नफरत मत करो, क्योंकि तुम एक योद्धा हो जिसमें कमजोरों को बचाने की खूबियां हैं। पर वो उस खलबली को नहीं रोक पाया, अंदर से वो एहसास जो तुम्हें महसूस कराता कि तुम बाकियों से अलग हो, जो तुम्हें अजीब होने का एहसास दिलाता। तुम कुछ नहीं जानते, बच्चे मैं तुझे अंदर बाहर हर तरह से जानता हूं। तुझे मधुमक्खियों से एलर्जी है, धनिए से चिढ़ है, 4 बार छींकें आती हैं। धनिए से तो हर कोई चिढ़ता है। तुम सटीक हो, सतर्क हो, अनुशासित हो, बेरहम हो, तुम्हें पहेलियां पसंद है। तुम चेस भी खेलते हो, है ना? काफी माहिर भी हो, और तुम्हें नींद भी नहीं आती। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कभी सोने नहीं देता, और जब सोने देता है तब भयानक सपने दिखाता है। मैं रात के उन 3 बजे वाले सपनों की बात कर रहा हूं जब नींद में चिल्लाते हो, कोई मुझे इन सपनों से बचा लो, और फिर वो सारे सवाल वो जान ले लेते हैं। नफरत है तुम्हें उनसे, और तुम खुद से जो सवाल करते रहते हो उनसे कमजोर पड़ जाते हो। एक असली फौजी सवाल नहीं पूछता, है ना? और तुम सिर्फ उस वक्त खुश रहते हो जब तुम किसी को मारने के लिए ट्रिगर दबाने वाले होते हो, और उस एक पल में सब कुछ सही लगता है। वैसे मुझे ये सब कैसे पता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मेरी तरफ देख बेवकूफ, हमारी तरफ देख। 25 साल पहले तेरे बाप ने मेरा खून निकालकर मेरा क्लोन बनाया, उसने तुझे मुझसे बनाया, हमारा DNA एक जैसा है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। बकवास है ये। उसने मुझे चुना क्योंकि मेरी तरह कोई और नहीं था, और वो जानता था कि एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम मेरी जगह लोगे। वो लगातार तुमसे झूठ बोलता रहा और तुमसे कहा कि तुम अनाथ हो, और इतने सारे फौजियों के होते हुए तुम्हें मुझे मारने क्यों भेजा? क्योंकि मैं सबसे काबिल हूं। तू सबसे काबिल नहीं है, तू बहुत जिद्दी है। लगता है मुझे मार के वेरिस तेरा रास्ता साफ करना चाहता था। मुझे मरना था और तेरे हाथों मरना था। अगर मैं जिंदा रहता तो क्ले का छोटा सा एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता। तू ऐसे सिर फिरे का हुक्म मानने में लगा है। उनके बारे में कुछ मत बोलो, तुम मुझे सिर्फ बहकाना चाहते हो। मैं तुझे बचाना चाहता हूं। उम्र कितनी तेरी? 23 साल? अभी भी वर्जिन है ना? किसी लड़की से रिश्ता बनाने के लिए बेताब है, पर किसी को भी अपने पास आने देने से डरता है, क्योंकि अगर कोई जान गया कि दरअसल तू कौन है तो तुझसे प्यार कौन करेगा? तो हर कोई बस एक शिकार है और तू एक हथियार। बे, बे! Yeah.
चला गया तो शूट किया। हाँ लगता तो है। कहा? शायद कंधे पर। फिर तो ठीक हो जाएगा। तो ये अच्छा है या बुरा?